आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। सो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है C7H8, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके हम रिएक्शन कराने 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ हीटिंग कंडीशन में, जो प्रोडक्ट ए बनाएगा। फर्दर रिएक्शन ब्रोमीन इन आयरन, जो प्रोडक्ट बी बनाएगा। फर्दर रिएक्शन जिंक HCl के साथ, जो प्रोडक्ट सी बनाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रखा है द प्रोडक्ट सी इज, सो प्रोडक्ट सी क्या बनेगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है C7H8। इसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे, पता करेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C-H/2+N/2-X/2+1। सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके अंदर अब जो जो एटम प्रेजेंट है उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाय 2, और नाइट्रोजन हमारे पास 0 है तो 0, हैलोजन 0 है तो 0, प्लस 1 वैल्यू पुट अप करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7-4 3 आ जाता है, 3+1=4 आ जाता है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 4 है इस कंपाउंड के अंदर। सो जब कभी भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 आ जाए और नंबर ऑफ कार्बन एटम C6 से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बेंजीनिंग प्रेजेंट है, क्योंकि बेंजीनिंग के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है वो इक्वल टू 4 होता है। सो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारी बेंजीनिंग सेटिस्फाई कर रही है। बट इसके अंदर एक कार्बन एटम ज़्यादा है, तो एक कार्बन एटम को हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि C7H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एक टॉलविन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टॉलविन कंपाउंड की हमें रिएक्शन करवानी है 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ हीटिंग कंडीशन में। सो जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक होमो मॉलिक्यूल है, और जो रिएक्शन हो रही है वो हीटिंग कंडीशन में हो रही है। सो ये जो रिएक्शन यहाँ पे फॉलो होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है इसमें बेंजीनिंग प्रेजेंट है, और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करके जो रिएक्शन शो कर पाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सो यहाँ पे हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो इसका मतलब बेंजीनिंग की वजह से यहाँ पे रिएक्शन ना होके हमारे पास जो दूसरा सब्स्टिट्यूट मिथाइल प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगी, और दूसरे जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है, रिएजेंट यहाँ पे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल दे रखे हैं। सो 3 हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप के साथ, तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके एक बेंजो ट्राइक्लोराइड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बच जाएगा कंपाउंड के फॉर्म में, यहाँ पे ये बेंजीनिंग, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सब्सिट्यूट है, तो अब 3 क्लोरीन ग्रुप सब्सिट्यूट हो जाएंगे। सो ये हमारा बेंजो ट्राइक्लोराइड स्ट्रक्चर बन गया। सो ये हमारा कंपाउंड जो है प्रोडक्ट ए है। अब हमें इसकी फर्दर रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन इन आयरन। सो जब भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन इन आयरन हो, सो ये रिएक्शन हो जाती है ब्रोमिनेशन रिएक्शन, और ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है वन ऑफ द एग्जाम्पल होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन का। सो इसके अंदर ब्रोमीन और आयरन सबसे पहले आपस में रिएक्शन करते हैं, जनरेशन करते हैं एक ब्रोमोनियम आयन का, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। सो बेंजीन मॉलिक्यूल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमोनियम आयन को डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकता है। अब ये ब्रोमोनियम आयन कौन सी पोजीशन में जाकर सब्स्टिट्यूट होगा वो डिसाइड करेगा, जो यहाँ पे कार्बन ट्राइक्लोराइड ग्रुप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज करता है, इस वजह से इसके इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा। मेटा पोजीशन मतलब इसकी ये हो जाएगी, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, ये बेंजीन, ये हमारा CCl3 ग्रुप, और इसकी मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बी। अब हमें इसकी फर्दर रिएक्शन जिंक HCl के साथ करवानी है। सो जिंक HCl मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं सामने वाले का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। सो हमारा जो CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 ग्रुप के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। सो ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड वैसे का वैसा ही रहेगा। सो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया सी, और ये हमारा स्ट्रक्चर जो है इसका नाम होता है एम ब्रोमो टॉलविन कंपाउंड। सो ये एम ब्रोमो टॉलविन कंपाउंड जो बना है वो हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे प्रोडक्ट सी से मैच नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।